फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल रेबी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई बास्केटबॉल का मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा 5 घंटे 22 मिनट बाद, मतलब कि भाई सुबह सुबह 5:30 बजे। तो मैं आपको बोलता हूँ भाई मॉर्निंग मैच आपको नहीं खेलने चाहिए, पहले ही मेरी यही राय है, क्योंकि एक तो इनकी लाइनअप्स नहीं आती बास्केटबॉल की, और दूसरी बात अगर लाइनअप्स उल्टा इसकी हम भी टीम नहीं देते अपने टेलीग्राम चैनल पे, हम भाई सिर्फ मॉर्निंग मैचेस की देते हैं। और मैच है सीसी वर्सेस आलम के बीच और जेएन वर्सेस आरी के बीच, तो ये दोनों मैच हैं हम कवर करने वाले हैं, लेकिन आपको पूरा एक एक प्लेयर के बारे में समझा देंगे कि आपको खेलने में आसानी हो जो लोग भी खेलना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइनअप्स तो देखो इधर आती नहीं। और फाइनल टीम इनकी हम नहीं देते टेलीग्राम पे, क्योंकि मॉर्निंग मैचेस की नहीं देते हम, 6 बजे के बाद की टीम्स देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा दूं जहां आपको 100% विनिंग टीम मिलेगी। तो 100% विनिंग टीम का भाई चैनल है एबी रॉक्स बॉक्सर ड्रीम इलेवन क्लब। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं आप इधर पा सकते हैं 100% विनिंग टीम हर मैच की, और जीत सकते हैं कुछ इस तरीके से। आज भी भाइयों क्लीन स्वीप गई है सारे मैचेस की। तो सीसी वर्सेस एलएम का मैच, इसकी भाइयों वैसे कवरिंग नहीं करते, अगर ये मैच मॉर्निंग में होता ना तो आपको 100% जितवाते, लेकिन भाई नाइट मैच है, उल्टा आप ये तभी खेलने जब आपके पास लाइनअप्स का बंदोबस्त हो। तो आपको टीम दिखाते हैं, तो टीम दिखाने से पहले मैं बोलना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाइयों लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करें भाई पॉइंट गार्ड से, तो पॉइंट गार्ड से लेने वाले वी थॉमस को, जिसके कि 15.5 क्रेडिट्स है, 72 पॉइंट्स और 26% सिलेक्शन। तो वी थॉमस की सिलेक्शन इतनी कम है इसलिए मैंने इसको लिया, क्योंकि बहुत ही यूनिक प्लेयर है और वी थॉमस भाई काफ़ी बढ़िया खेलता है। पहले ये मानता हूँ ये 2 मैचेस से खेला नहीं था, 0-0 थे, लेकिन भाई अगर आप ऑल ओवर स्टेटस देखें तो भाई बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, और ये आज के मैच में शायद खेलने वाला है, क्योंकि हमारे पास भी पूरी तो देखो पूरी कंफर्मेशन तो अभी नहीं आ रखी। अगर आप चाहें तो के एल वेरेदो के साथ भी जा सकते हैं और टीम को थोड़ी आगे से अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन हम वी थॉमस के साथ जाएंगे। और हम यहाँ से लेंगे भाई डी मुंगिया को, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेयर है। बात करें शूटिंग गार्ड से, तो शूटिंग गार्ड के साथ हम टॉप के प्लेयर के साथ जा रहे हैं एफ़ कॉक्स के साथ। अगर आप चाहें तो वी थॉमस को डाके के एल वेरेदो के साथ जा सकते हैं, तो जो कि बहुत बढ़िया रहने वाला है, और जो आपका मन करे इन दोनों में से वी थॉमस या एल्वेरेदो, लेकिन मैं वी थॉमस के साथ जाऊंगा। और एफ कॉक्स भाई टॉप का प्लेयर है, आगे से लेंगे भाई ए बोर्च को, तो ए बोर्च को तो आप जानते ही हैं कैप्टेंसी के लिए टॉप चॉइस है, लेकिन ये भाइयों आज के मैच में मेरा भी कैप्टन रहने वाला है, क्योंकि हमें बिल्कुल सेफ जाना है, लेकिन हम के क्लेयर के साथ भी जाएंगे। तो के क्लेयर मतलब अगर जो लोग मिनी ग्रैंडली खेलते हैं वो इसको कैप्टन रख सकते हैं, अगर भाइयों ये ज़्यादा पॉइंट मार के तो आपकी भाई आप मिनी ग्रैंडली जीत सकते हैं। और जे पेरिस के साथ जाएंगे, जो भी एक ठीक ठाक प्लेयर है। आगे बात करें पावर फॉरवर्ड की, तो यहाँ से लेंगे भाइयों एम मैकेंजी को, जिसके कि 16 क्रेडिट्स हैं, 112 पॉइंट्स और 80% सिलेक्शन। तो एम मैकेंजी भाइयों पहले मेरा कैप्टन हुआ करता था, मतलब काफ़ी मैचेस में, ये 4 मैचेस में, लेकिन आज भी मैं इसको कैप्टन रखने का मेरा मन है, लेकिन हम ए बॉच के साथ रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो इसे बात करें भाइयों सेंटर की, तो यहाँ से लेंगे के विवेस को, जो कि 9 क्रेडिट्स हैं, 81 पॉइंट्स और 72% सिलेक्शन, बहुत बढ़िया प्लेयर रहने वाला है। बात करें कैप्टन की, तो कैप्टन रहने वाला मेरा एफ कॉक्स रहने वाला भाइयों मेरा कैप्टन आज। या तो आप ए बॉच के साथ सेफ जा सकते हैं, या फिर एक्स कॉक्स के साथ आप जा सकते हैं थोड़ा रिस्क में, लेकिन हम रिस्क लेंगे क्योंकि रिस्क की टीम ही हमेशा काम करती है। तो ये मेरी कुछ टीम, आप इसको टीम को भाई इस टीम से लीग ज्वाइन, मतलब अगर आप करना चाहते हैं इस लीग टीम से लीग ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं अगले मैच की, जे एन वर्सेज आरी के मैच, अवॉइड ही करो इन मैचेस को, क्योंकि लाइनअप्स भाई आपके पास आएंगी नहीं प्रॉपर, ये तो एक ये टीम तो भाई स्क्वाड से बनती है। बात करें पॉइंट गार्ड से, तो पॉइंट गार्ड से हम लेने वाले डी कैचो को, जो कि 21 क्रेडिट्स, 209 पॉइंट्स है भाई और 48% सिलेक्शन। तो डी कैचो बहुत ही टॉप का प्लेयर है, और वो कि हर मैच में मारने की जान रखता है और बहुत बढ़िया खेलता है भाई, ऑल ओवर इतना खतरनाक परफॉर्मेंस, चाहो तो कैप्टन भी रख सकते हो। जे हरेरा के साथ जाएंगे हम, 11 क्रेडिट्स, 38 पॉइंट्स और 9% सिलेक्शन। और जे रियस को भाई हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, बिकॉज हमारे आरी के प्लेयर 5 पूरे हो गए हैं और ए हुएटा को। बात करें शूटिंग गार्ड से, तो यहाँ से लेंगे एस ओडक्सन को, जो कि एस ओडक्सन ने 21 क्रेडिट्स, 216 पॉइंट्स और 79% सिलेक्शन के साथ टॉप का प्लेयर। और नीचे से लेंगे भाई वो एस इस्कोटो को, जो कि 4 क्रेडिट्स में 24 पॉइंट्स और 46% सिलेक्शन। बात करें स्मॉल फॉरवर्ड से, तो स्मॉल फॉरवर्ड से हम लेने वाले भाई एम हर्नांडेज़ को, जिसके कि 10 क्रेडिट्स हैं, 113 पॉइंट्स और 74% सिलेक्शन। बात करें पावर फॉरवर्ड से, तो पावर फॉरवर्ड से भाई एम एफ पोथ के साथ ही जाएंगे, जो कि एफ पोथ एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, ऑल ओवर बहुत बढ़िया खेलता है भाई एफ पोथ। और आगे से लेंगे सेंटर से जे कैम्बेल, तो जे कैम्बेल भी बहुत अच्छा है और टी हम्फ्रीस भी बहुत अच्छा है, चाहे तो जिसके मर्जी के साथ आप जा सकते हैं, टी हम्फ्रीस के से भी जा सकते हैं अगर आप क्रेडिट्स मेंटेन करें। मेरा बहुत मन था टी हम्फ्रीस के साथ जाने का, लेकिन भाई कुछ क्रेडिट प्रॉब्लम आ रही है, इधर आप देख ही पा रहे होंगे, देखिए हम ऐसे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमारा जे कैम्बेल छूटेगा, या फिर आप जे कैम्बेल को छोड़ के आप ये वाली टीम भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी आप एक लो प्लेयर उठा सकते हैं। ये देखिए ए ग्रेशिया के साथ भी आप जा सकते हैं, जो कि एक ठीक ठाक खेलता है,
तो ये हमारी बन गई बहुत ही टॉप की टीम। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो यहाँ से कैप्टन रहने वाला है भाई मेरा हॉरडक्सन। अगर आप चाहें डी कैचो के साथ भी जा सकते हैं या फिर टी हम्फ्रीज के साथ, लेकिन हम भाई सेव जाएंगे ऐसे हॉरडक्सन के साथ। तो ये मैच अभी मैं कह रहा हूँ मत ही खेलो, क्योंकि इसकी लाइनअप्स नहीं आएंगी। ऐसे अगर कोई ना प्लेयर खेला तो आपका लॉस होने का खतरा है, क्योंकि आप तभी खेलें जब आपके पास लाइनअप्स हों, क्योंकि इस मैच की लाइनअप्स तो हमारे पास भी नहीं आनी। वैसे मैं आपको सच बताऊँ, ये तो एक मतलब प्रेडिक्शन है, एनालिसिस करके टीम बनाई गई है। तो इसमें जो मेरे को रिस्की प्लेयर लग रहे हैं वो है भाइयों एक ग्रेशिया, शायद मेरे को थोड़ा रिस्की लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसको चेंज करके कोई और प्लेयर ले सकते हैं, और थोड़ा एस इस्कोटो को, बाकी सारे खेलेंगे इतनी मेरी गारंटी है। क्यों, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका